पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया उसने। और सुंबल की हमदर्दियां देखी? बेटा मैं सब देख रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। आसिम की अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। और तुम भी ना नेहा के साथ जरा सही रहो, भाई को भी और टेंशन मत देना बेटा, अभी ये वक्त नहीं है। मैं वह नहीं मना रही नेहा के साथ, मिला वजह मुझे आते जाते टोकती रहती, मेरे दिल से उतर गई है। और एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता ना, मैं वापस इज्जत नहीं करती उसकी। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती बेटा, मत बोला करो। निशा हमारे पास कुछ ही देर के लिए आई थी, चली गई। निशा क्यों? मेरे पास अम्मा, पास हमें भेज, पास तुम जानते थे ना, तुम्हें सब पता था, तुम उसे कब्र में उतारने के लिए आए थे। मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नेहा, नेहा प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं फरिया आंटी के आगे बात कर लूंगा।